अभी कुछ तो बोलो बेटा, मार गया आया है, एनकाउंटर फर्जी था या सही था? योगी गलत हुआ या सही हुआ? जी जी बोलिए। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया, लेकिन गलत तरीके से लिया गया है। माफिया अतीक अहमद का बेटा असद मिट्टी में मिल चुका है। एक बाप की बेबसी तो देखिए कि मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद पिता अपने बेटे को अंतिम बार कंधा तक नहीं दे सका, बेटे को आखिरी बार कफन तक नहीं पहना सका। वैसे तो एक बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा सबसे भारी बोझ माना जाता है, लेकिन अतीक को तो वो भी नसीब नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर अतीक से पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन अतीक जवाब देने की बजाय पुलिस से ही सवाल दागने लगता है। पुलिस रिमांड के दौरान अतीक अहमद ने पुलिस से ही पूछ लिया सवाल। अतीक ने सवाल में पूछा कि उसका वो मोबाइल कहाँ है जिससे वो साबरमती जेल के अंदर से बात कर रहा था। इतना ही नहीं, अतीक ने पुलिस से पूछा कि जिस मोबाइल से वो और अशरफ बात करते थे वो मोबाइल एक बार पुलिस उसे दिखा दे। अगर पुलिस इन सारी बातों का जवाब अतीक को दे देगी तो अतीक भी पुलिस के सारे सवालों के जवाब दे देगा। बकायदा 2 दिनों से पूछताछ भी चल रही है और कल यहीं से उन्हें ले जाया गया था, लेकिन एक कह सकते हैं कि चैप्टर पूरा हो गया है राजीव, और वो चैप्टर ये है कि जिस तरीके से अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ और उसे आज सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अतीक अहमद बिल्कुल शांत है, उससे कल कई बार पूछा गया, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके भाई ने इतना ज़रूर कहा, अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली, लेकिन क्या उसने बुरा किया, क्या एनकाउंटर हुआ तो उसे बुरा लगा, इन तमाम सवालों को उससे पूछा गया, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा है। और जब पुलिस इंटरोगेशन में उससे पूछताछ हो रही है तो भी वो बिल्कुल चुप है। उससे जब ये पूछा, उसने पुलिस वालों को ये से खुद कहा है कि आप बताओ कि अगर मेरी बातचीत होती है तो मेरा मोबाइल दो, मैंने अगर जेल से बातचीत की है तो उस मोबाइल को सामने लाया जाए। वो पुलिस से तो बातें कर रहा है, लेकिन अपने बेटे असद के बारे में, एनकाउंटर के बारे में जब वो कैमरे के सामने आया, यानी कि जब पत्रकारों ने उससे पूछने की कोशिश की, तो उसने कुछ नहीं बोला। ये एक मैसेज है उसके अपने लोगों के लिए जो इस चकिया इलाके के उसके समर्थक हैं, उसके सिंपथाइज़र हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने कल देखा था, जब हम अतीक के घर के पास मौजूद थे तो लोगों के भीतर एक तरीके की नाराज़गी थी और वो इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज दोनों शवों के सुपुर्दे खाक होने के बाद से अब माहौल सामान्य है। अतीक की माने तो उसके खिलाफ सारे सबूत झूठे हैं और कहीं ना कहीं ये पुलिस के ही मनगढ़ंत है। पुलिस वाले बेसिर पैरों की कहानी बनाकर अतीक के परिवार का नाम घसीट रहे हैं। मुंशी राकेश लाला और नौकर कैश अहमद की निशानदेही पर बरामद कैश और असलहों पर अतीक अहमद ने कहा कि पुलिस के सामने चाहे जिससे जो कबुलवा लो, सच्चाई तो अदालत के सामने ही इंसान बोलता है। अब तक की पूछताछ में अतीक और अशरफ ने पुलिस को किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया है। हर सवाल पर अतीक अहमद और अशरफ ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम, वो तो जेल में बंद थे। बरेली जेल में असद की मुलाकात पर अशरफ ने कहा कि वो मेरा भतीजा था, मेरे जिगर का टुकड़ा था, अपने चाचा को मिलने तो आ ही सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।